हेलो स्टूडेंट्स आपकी ग्रेजुएशन में प्रयोजन मूलक हिंदी का टॉपिक है तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता तब पड़ी जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया अब आपको पता है कि हमारी राजभाषा हिंदी है राजभाषा का मतलब है कि राजकाज या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारी वो हिंदी है हम जो ऑफिस में जितने भी काम होते हैं वो सब हिंदी में किए हमारे संविधान में भी हिंदी को पहला दर्जा दिया गया है लेकिन अंग्रेजी को भी दूसरे नंबर पे रखा गया है और कहा गया था कि पंद्रह वर्ष तक हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ चलेंगी लेकिन आज भी अंग्रेजी चल रही है धीरे धीरे हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम अपने सभी ऑफिशियल काम हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि भारत जो है वो विविधता का देश है यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं और बोलियां हैं तो यहाँ सबको हिंदी आती हो ये जरूरी नहीं तो लोगों को थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अभी क्या हो रहा है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी भाषा हिंदी को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है जब हमारी हिंदी भाषा बहुत पुरानी भाषा है तब इस तरह के डेवलपमेंट इस तरह की प्रगति नहीं थी लेकिन आज क्योंकि हम विज्ञान और तकनीकी में भी तरक्की कर रहे हैं तो हमारी भाषा को अपने अंदर वो पावर लानी पड़ेगी तभी तो वो तकनीकी को भी एक्सप्रेस कर पाएंगे हम उस भाषा में तो क्योंकि हम हिंदी को हिंदी भाषा में तकनीकी और विज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए उसको भाव देने के लिए हम अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जबकि हमारी हिंदी भाषा उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाचियों से संपूर्ण और संपन्न भाषा है हमारे पास एक शब्द के आठ आठ दस दस पर्यायवाची हैं तो हमारे पास कमी नहीं है लेकिन क्योंकि लोगों को उसमें वो सभी शब्द आते नहीं है या वो शब्द प्रचलन में नहीं है इसलिए थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है धीरे धीरे सभी विषयों में हमने प्रगति करी तकनीकी में हमने प्रगति करी अब उन्हीं उन सभी विषयों को तकनीकी को विज्ञान को स्वास्थ्य को आ, स्पेस की बातों को इंटरनेट को सबको हमें अपनी भाषा में समझने की आवश्यकता पड़ी तब क्या किया हमारे हिंदी के स्वरूप को हमें बदलना पड़ा और इस बदलते हुए स्वरूप को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं जब हिंदी को हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग करते हैं प्रयोजन मतलब उद्देश्य किसी विशेष मतलब के लिए प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोजन मूलक हो गई जैसे मैं और आप बात करेंगे तो हम एक अलग तरीके के सिंपल साधारण हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं भाषा का अर्थ क्या है भाषा मतलब कम्युनिकेशन आप मेरी बात समझ जाए मैं आपकी बात समझ जाऊं हाँ। लेकिन अगर मैं डॉक्टर हूं और आप पेशेंट हैं तो मुझे आपको दूसरी भाषा में समझानी पड़ेगी बात को समझाना पड़ेगा या आपको मेरी बात समझने के लिए आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना अगर मैं आपसे पर्चा निकालो तो आप पर्चा कौन सा पर्चा आपको समझ में आ जाएगा जिसपे मैंने दवा लिखी है पर्चा वो पर्चा लाओ अगर मैं कहूंगी अगर मैं एज अ डॉक्टर आपसे कहूं कि तुम्हारा रक्तचाप बहुत ज्यादा है तो अब रक्तचाप क्या होता है तो आपको पता तो होना चाहिए तो ये जो भाषा है जब हम किसी प्रयोजन के लिए हिंदी को प्रयोग करते हैं उसको प्रयोजन मूलक कहते हैं जैसे हम लोग टीचर्स हैं तो हम एज अ टीचर बच्चों को अपने बोलते हैं चलो अपनी उपस्थिति दो तो उपस्थिति दो का मतलब बच्चे तुरंत समझ जाते हैं अटेंडेंस देनी है हमको और वो प्रेजेंट मैम बोल देते हैं तो शब्द उपस्थिति का मतलब आपका यहाँ प्रेजेंट होना तो बच्चों को स्कूल वाले आने वाले बच्चों को पता है कि उपस्थिति का मतलब क्या है क्यों क्योंकि वो उस उद्देश्य से से प्रयोग की जाने वाली हिंदी परिचित है है उनको रोज यह शब्द सुनने को मिलता है। लाइन बनाओ पंक्ति में खड़े हो जाओ उनको पता है कि पंक्ति का मतलब प्रेयर होने वाली है प्रार्थना सभा है उसमें चल के खड़े हो जाओ प्रार्थना ग्राउंड में प्रार्थना मैदान में चलो तो उनको पता है कि वहां पे असेंबली होगी और हमें जाना है तो हर क्षेत्र की बात को समझने के लिए अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे अलग तरह के शब्दों के बदले हुए स्वरूप को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों अब इसको व्यवहारिक हिंदी भी कहा जाता है व्यवहारिक मतलब व्यवहार में आने वाली जो बिहेवियरल हिंदी है जब हम सब्जी वाले की दात पास जाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या भाव तो क्या भाव कितने में दिया अब कितने में दिया कहते ही वो बता देता है पचास रुपए किलो है ना कैसे दिया अब कैसे का मतलब क्या है अच्छे से दिया सफेद से दिया काले से दिया झोले में दिया कुछ भी क्या समझ सकता है लेकिन सब्जी वाला तुरंत समझ जाता है कैसे दिया मतलब कितने का दिया तो वो बता देगा आपको बीस रुपए पाव मिल रहा है या चालीस रुपए किलो मिल रहा है तो हर क्षेत्र की हर जगह पर हिंदी के स्वरूप को थोड़ा थोड़ा बदल बदल कर हम व्यवहार में लाते हैं तो इसलिए अलग प्रयोजन पर प्रयोग करने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं और इसको व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है क्यों क्योंकि ये व्यवहार में लाई जाती है आगे देखते हैं बच्चों अगर परिभाषित शब्दों में देखें तो ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं यानी अगर किसी खास उद्देश्य के लिए अगर आप जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं हिंदी के मुख्यतः तीन रूप सामने आते हैं अगर आप प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करें या हिंदी की बात करें तो हिंदी के तीन रूप आपको सामने आएंगे क्या क्या है बोलचाल की भाषा जो हम नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं मम्मी बोलेगी जरा एक काम कर दो तो बच्चे ऐ हम्म क्या इतने कहने भर से मम्मी को समझता है कि तो सुना नहीं सुनते तो हो नहीं तुम ध्यान तुम्हारा कहीं और है और मम्मी डांट लगाती है तो भाषा ये है बोलचाल की भाषा जहां हम शब्दों के प्रयोग की हमें पूरे पूरे शब्दों के प्रयोग की जरूरत भी नहीं पड़ती खाली एक शब्द से भी काम चल जाता है दूसरी है साहित्यिक भाषा जब हम पुस्तकें लिखते हैं साहित्य लिखते हैं हिंदी का साहित्य जब लिखा जाता है लिटरेरी भाषा वो अलग होती है उसमें अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग उसके व्याकरण की रचना बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग होता है बिंबों का प्रयोग होता है वो साहित्यिक हिंदी हो गई तीसरी होती है प्रायोगिक हिंदी प्रायोगिक हिंदी वही प्रयोजनमूलक जहां पर जैसी जरूरत हो वहां वैसी जिस क्षेत्र में गए हैं वहां की आप बात कर लीजिए प्रयोजनमूलक हिंदी के से क्या तात्पर्य है इसका तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान तकनीकी विधि संचार और अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है इसे कामकाजी हिंदी भी कहते हैं अब इसका एक और रूप है नाम है कामकाजी हिंदी कामकाजी जो कामकाज की भाषा जब आप ऑफिस में जाते हैं तब आप बोलते हैं ना हमें स्थानांतरण पत्र दे दीजिए जब आप जैसे आपने स्कूल छोड़ आप ग्रेजुएशन में कॉलेज में गए होंगे तो आप अपना स्थानांतरण पत्र लेने गए होंगे आप अपनी जिसे आप रिजल्ट कहते हैं अंग्रेजी में हिंदी में उसको परिणाम पुस्तिका कहते हैं तो आप वो भी लेने गए होंगे तो जब आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां की भाषा में बात करते हैं वो कहेंगे यहाँ पर एक हस्ताक्षर कर दीजिए तो आप वहां पर साइन कर देते हैं तो हस्ताक्षर प्रमाण पत्र आवेदन करना ये सब क्या है ये सब शब्द हैं ऑफिस में प्रयोग करने वाले तो हर कामकाज की के हिंदी अलग होती है इसको हम कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं किसको प्रयोजन मूलक को प्रयोजन मतलब उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं वैसी भाषा आप बोलेंगे भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और इस थोड़े परिवर्तित स्वरूप को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं यहां तक बात समझ में आ गई होगी उसके और भी कई सारे नाम हैं जैसे अभी आपने पढ़ा व्यवहारिक हिंदी कामकाजी हिंदी प्रयोजनी हिंदी प्रयोजन परक हिंदी प्रायोगिक हिंदी प्रयोग परक हिंदी अब ये कई नामों से इसको बोला जाता है मतलब एक ही है प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन का मतलब उद्देश्य अलग उद्देश्य के लिए अलग तरह के शब्दों का प्रयोग अलग उद्देश्य के लिए अलग तरह की हिंदी आप बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए सटीक मतलब ये आप नहीं कह सकते अच्छा भिंदी चलो आधा लीटर भिंडी दे दो ये आप नहीं बोल सकते ये गलत हो जाएगा तो आपको बिल्कुल सही बोलनी है सटीक बोलनी है स्पष्ट बोलनी है और सरल शब्दों का प्रयोग करना है और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है जिसका कि एक अर्थ होता हो मतलब ऐसा कोई शब्द आप नहीं बोल सकते कि जिसके कई अर्थ निकले आप उसका समझी बना है इसका क्या मतलब है तो आपको एक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना है इसमें कहावतें मुहावरे अलंकार उक्तियां आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता जब हम आप एग्जाम में लिखते हैं तो आप एग्जामिनर के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखते हैं अगर जो पूछा बस आप वही उत्तर देते हैं अगर तीन नंबर का प्रश्न है तो तीन पॉइंट बनाते हैं आप क्यों क्योंकि आपको नंबर चाहिए वैसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी है जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए आप उसके अनुसार हिंदी बोलेंगे ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप कुछ भी उसमें कहानी आप अगर आ, कहीं पर नौकरी करते हैं तो आप अपने बॉस के पास छुट्टी मांगने गए हैं तो क्या कहेंगे सर आज थोड़ी तबियत नहीं ठीक है इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे जरूरी है तो मैं कल नहीं आ पाऊंगा ये नहीं उसे बताएंगे कल मेरी मेरा जो है वो दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम है अगर है भी तो भी आप उसको यही बताएंगे कि नहीं मेरे कल कुछ जरूरी काम है उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए अब भाषा कैसी होगी तटस्थ भाषा होगी बिल्कुल सपाट भाषा सर मेरी तर... मुझे कल आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है तो मुझे चु... मुझे अवकाश चाहिए बिल्कुल सिंपल एकदम तटस्थ मेरी तबीयत बहुत खराब है मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था मुझे उल्टी भी आ रही है और मेरे मैं मुझे चला भी नहीं जा रहा है कल मैं शायद आ ही नहीं पाऊंगा सर इसलिए मुझे एक छुट्टी दे दी क्या आप इतनी बड़ी बात बोलेंगे ना पहले तो छुट्टी लेने में ही बोलने में ही डर लगता है तो क्या करेंगे हम तटस्थ रहेंगे स्पष्ट रहेंगे और स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है निर्वैक्तिकता मतलब पर्सनल टच नहीं होता लेकिन यही बात अगर आप पापा को लिख रहे हैं और पापा से आपको पैसे चाहिए तब क्या लिखेंगे पापा पैसे थे आपने दिए थे मैंने काम चलाया खर्च हो गए आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है अब अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो शायद मुझे दो तीन दिन तक के लिए खाना भी खाना खरीदने में भी दिक्कत होगी और अगर हो सके तो आप मुझे तो थोड़े पैसे भेज दें अरे अरे रे, रे, मेरे बेटे के पास इतने भी पैसे नहीं कि दो तीन दिन तक खाने की दिक्कत हो पापा तुरंत पैसे भेज देंगे तो आप उसमें व्यक्तिक यानी पर्सनल टच भी दे सकते हैं हिंदी में लेकिन प्रयोजन मूलक में तटस्थ रहते हैं निर्वयक्तिकता होती है ये शब्दों को प्रयोग करना सीखिए बच्चों अभी प्रयोजन मूलक हिंदी की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप इसको आप उसके एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं अंकों के अनुसार अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा अगर पांच नंबर का प्रश्न है तो आपको अच्छे से डिटेल आंसर लिखना है अगर दस नंबर का है तो कम से कम उसमें आप आठ छ आठ पॉइंट बना दीजिए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे कभी भी बच्चों हिंदी में भी आप अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे क्या और इंपॉर्टेंट है प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल विज्ञान तकनीकी विधि संचार और अन्य गतिविधियों में होता है अब कहाँ इसका प्रयोग होता है विज्ञान में साइंस की बात बात करने जा रहे हैं तो हिंदी अलग होगी तकनीकी की बात करें टेक्नोलॉजी तो हिंदी अलग हो जाती है विधि यानी कानून की बात करें तो वहां हिंदी अलग हो जाती है संचार यानी जब हम कम्युनिकेशन या टीवी और मोबाइल और इनकी बात करते तब हिंदी हम दूसरे तरीके से बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का इस्तेमाल प्रशासन परिचालन प्रौद्योगिकी ज्ञान विज्ञान जैसे क्षेत्रों में होता है प्रशासन में होता है जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें अलग तरह की हिंदी का प्रयोग होता है विधानसभा लोकसभा चुनाव परिचालन जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब आप दूसरे तरह के आपके हैं कि आपकी स्पीड लिमिट आपकी गति सीमा सड़कों पे लिखा होता है गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो 20 किलोमीटर देखते ही आपका बोर्ड एकदम अच्छा गति सीमा यानी हमें अपनी लिमिट करनी है स्पीड को तो आपको शब्दों से समझ में आ रहा है अच्छा यहाँ पे बात करी जा रही तो यहाँ स्पीड के लिए बात की गई है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सीमा अगर लड़ाई की बात करें तो सीमा आपको समझ में बॉर्डर आ जाएगा अगर गति की सीमा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अच्छा ड्राइविंग से बात की जा रही है अगर स्कूल में टीचर ने तो डांटा तुम तो अपनी सीमा तोड़ रहे हो तो आप समझ जाएंगे कि हम मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर है। एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में उसका अर्थ अलग हो गया यानी यही प्रयोजनमूलक हिंदी है हिंदी में शब्द चयन वाक्य गठन और भाषा प्रयोग प्रयोजन के मुताबिक बदलता है अब जैसा जैसा क्षेत्र उद्देश्य वैसे भाषा के शब्द बदल जाते हैं वैसे ही वाक्यों की संरचना बदल जाती है और वैसे ही भाषा का प्रयोग बदल जाता है जैसे आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया मैंने प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है फंक्शनल इंग्लिश की बात की जाती है कि जरूरत के फंक्शन इसका क्या फंक्शन है वैसे ही हिंदी में इसको प्रयोजन मूलक कहा जाता है कि जरूरत के हिसाब हम अपनी भाषा को काम के क्या फंक्शन है क्या जरूरत है उसकी वैसे हम उस उद्देश्य के अनुसार हम अपनी भाषा को बदल लेते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी से अलग होती है इसका इस्तेमाल किसी खास तरह के संप्रेक्षण के लिए किया जाता है किसी स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए खास तरह का संप्रेक्षण स्पेशल कम्युनिकेशन एक टीचर बच्चे से बात करता है तो अलग भाषा में बात करता है वही वो प्रिंसिपल के पास जाता है तो एक अलग भाषा में बात करता है आपके पेरेंट्स मिलने चले आते हैं तो हम उनसे उस भाषा बात करते हैं हम जगह के अनुसार किससे बात कर रहे हैं क्षेत्र के अनुसार विषय के अनुसार अपनी भाषा शब्दों का वाक्यों का संगठन संरचना अलग कर देते हैं यही प्रयोजन मूलक हिंदी है अभी यहाँ पर आपकी कुछ किताबों की परिभाषाएं हैं इन परिभाषाओं को आपको एज इट इज याद करना होगा परिभाषा में हम शब्दों का हेर फेर ज्यादा नहीं करते कोशिश करिए परिभाषाओं को याद कर लीजिए दो एक और आप तब एग्जाम में लिखें तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे जैसे जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं अभी यहां पर आपको ये जो राइटर्स हैं इनके नाम के साथ हो सकता है आपके प्रश्न के उत्तर पूछे जाए कि ये किस राइटर की लिखी हुई है तो आप अपने आपकी पुस्तक में जो दो तीन नाम दिए हैं उनके अनुसार याद करेंगे कि मोटीरू सत्यनारायण ने क्या कहा जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है जीवन में उपयोग जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है तबीयत खराब होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे सामान लेना है तो ग्रोसरी वाले स्टोर पर जाएंगे दूध लेना है तो दूध वाले के पास जाएंगे तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं अलग तरह की हिंदी का प्रयोग करते हैं डॉक्टर प्रभात ने क्या कहा कामकाजी भाषा सम्प्रत्यय का आधार बनती कामकाजी भाषा बोलने चालने की भाषा से अलग जो काम के समय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है वो कॉन्सेप्ट का आधार बनती है वो उस बात का आधार या बेस बनाती है वह अनुभव के अंश निकाल देती है अतः वहां तथ्य और सिद्धांत ही रह जाते काम काजी भाषा सम्प्रत्यय सिद्धांत के समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी काम करती यानी उसमें से जो कुछ बातें भाव निकाल दिए जाते है, हैं पर्सनल चीजें और केवल इंपॉर्टेंट तथ्य को सत्यता को रख करके हम बात को करते हैं और परिणामोन्मुखी काम करते हैं यानी हमारा इसका परिणाम रिजल्ट क्या होना चाहिए कि मैंने जो बात मेरी तबियत खराब हुई तो डॉक्टर समझ जाए कि मेरी क्या तबियत खराब है इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चे बच्चे मम्मी पापा के साथ जाते हैं तो मम्मी पापा डिस्क्राइब करते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो क्योंकि बच्चे को डॉक्टर पूछेगा क्या हो रहा है और तबीयत खराब है समा समझा नहीं पाएगा तो मम्मी पापा पास में बैठे होते हैं। वो बोलते नहीं कल से इसने खाना नहीं खाया है उल्टी भी हो रही थी सर में भी दर्द हो रहा था बुखार भी इतना हो गया था करीब 99 हो रहा था 102 रात तक चला गया था तो इतना डिस्क्राइब करना बच्चा नहीं कर पाएगा इसलिए माँ बाप बता देते हैं और क्यों क्योंकि परिणामोन्मुखी यानी उसका परिणाम क्या होता है डॉक्टर बिल्कुल उसको समझ में आता है कि इसको क्या तबीयत है उसके अनुसार वो अपनी दवा लिख देता है डॉक्टर दिलीप सिंह क्या कहते हैं जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है अभी यहां पर वो वो क्या कहते हैं कि हमारे जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती है अपने दायित्वों का अपने जिम्मेदारियों की पूर्ति करती है ऐसी हिंदी को प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है तो ये कुछ परिभाषाएं हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं अब इसकी विशेषताएं इसके समस्याएं और उसके समाधान वो हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं पढ़कर मुझे कमेंट करिए कि क्या आपको इससे कुछ सुविधा हुई पढ़ने से कुछ फायदा मिला अगर हाँ लाभ मिलता है तो मुझे कमेंट जरूर करिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और सारे बच्चों में शेयर कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में गुड बाय